بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين الكرام أحكام الدين کا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کے سوالوں کے جواب في اس پروگرام میں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پیش کرتے ہیں اور جا بجا صحابہ کرام کے اقوال و افعال से भी इस्तलाल करते हैं तो आइए हम सवालों की तरफ़ आते हैं आज का पहला सवाल ये है और इस तरह के सवाल आते भी रहते हैं तुम्हारे भाई पूछ रहे हैं कि हमने कसम खा लिया है कुरान मजीद पर मुसाफु पर लिखा हुआ होता है कुरान मजीद जो लिखा हुआ दफ्तियों के दरमियान अंदर लिखा हुआ रहता है उस पर क्या उस पर हमने हाथ रख कर कसम खाया है लेकिन हमने जो कसम खाया था जब मैं नासमझ था उनके मकसद ये लिखते हैं कि मैं अभी बलोगत को नहीं पहुंचा था लेकिन मेरी उम्र बालिग होने वालों के करीब तर थी यानी चौदह पंद्रह साल थी पूछना चाहते हैं कि क्या शराय तौर पर यह हराम है या अगर ये ग़लत है तो फिर इस पर क्या कोई कफ़ारा भी है तो जवाब में हम अर्ज़ करेंगे कि देखिए लोग क़ुरान मजीद पर हाथ रख के कसम खाते हैं इसलिए ताकि ये पता चले कि इस कसम में हम झूठ नहीं बोल रहे हैं अगर ये इरादा है ताकीद करने का कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सच्ची कसम खाते हैं इसलिए कि हमने एक पाक व ताहिर चीज़ पर जो कि अल्लाह का कलाम जिसमें लिखा हुआ है उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं तब तो इस हद तक दुरुस्त है कि वह हो अपने कसम को पक्का और सच्चा दिखाने के लिए उस जगह पर हाथ रखते हैं उस पर हाथ रखते हैं लेकिन अगर ये मुराद हो कि हम कसम खाते हैं इस किताब पर जो इसे रखी हुई है जिसमें दफ्ती लगी हुई है जिसमें कागज़ लगा हुआ जिसमें रोशनाई लगी हुई है जिसमें जेब वज़ीनत की और भी चीज़ें बनी हुई हैं छपी हुई हैं जो कि कुरान अल्लाह के कलाम से वो चीज़ें नहीं हैं अल्लाह का कलाम तो जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिसमिल्लमदिल्ल रबीआलमी से शुरू करते हैं और सूर्तान्नास के आखिर में जाकर वो ख़त्म होता है वह है तो अगर उसके इरादा ये है कसम खाने में कि हमने कसम खाया इस पर हाथ रख कर के इसलिए कि ये बड़ी अहम चीज़ है तो भी और दूसरे ये है कि अगर वो कसम खाता है और उसकी मुराद उस पर हाथ रखने से होता है जो कापी और क्या? कापी और दफ्ती वगैरह लगी हुई है उससे मुराद जिल्द जो बंधी हुई है तो ये दोनों शक्लों में ये क़ुरान मजीद की कसम नहीं हुई ना ये तो कसम अपनी खाता अलग से और अपनी कसम अलग से खाना भी चाहिए इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान मजीद पे हाथ रख कर कसम खाने की बात तो रसूल वसम के ज़माने में थी ही नहीं इसलिए कि, कि कुरान मजीद लिख के लोगों के पास पूरा रखा हुआ नहीं था लेकिन जैसे कुरान मजीद पे कसम खाना एक सूरत पे भी कसम खाना उसी दर्जे में है जिन्हें कि वह भी अल्लाह का कलाम है और कुरान मजीद को बाकायदा हजरत बम के ज़माने में इकट्ठा करके सारे जो जिसनेल्लाख रसूल ने लिखवाया था वो सब इकट्ठा करके भी जो लिखा गया इकट्ठा कुरान मजीद को जमा कर दिया गया जबकि पहले साज़ी का सिस्टम नहीं था रसूल वसम लिखवाते थे कभी चमड़े पर कभी तख्ती पर कभी हड्डी पर और इसी तरह से और भी कभी खजूर के शाखों पर शाखों पर शाखन पत्ती जो उसकी जो होती है उसमें जो निकलती है वो शाख उस पर चौड़ा होता है इन सी चीज़ों पर लिखा हुआ था फिर रसूल वसल्लम के वफात के बाद ये एक अलग मसला है कि कुरान मजीद की तदवीन कैसे हुई तो रसूल अल्लाह वसम के वफात के बाद फिर जब हजरत ज़ैद साबित के आप हज़रत अबक ने हुक्म दिया कि इसको इकट्ठा कर दो तरतीब से जैसे कि लाख रसूल ने पढ़ते थे हम लोग इसलिए कि रसूल भी अपने ज़माने में कुरान मजीद को तरतीब से सुनाते थे दौर होता था तो कैसे दौर होता था हजरत जबरीन के साथ कोई तरतीब थी उसकी तो साहब कराम को भी वो तरतीब मालूम थी कि सुर बकर है सुर आल इमरान है सुर नसा है सुर माह है इस तरह से तो जब जमा कर दिया गया हरत बकर के ज़माने में उस पर भी कसम नहीं खाई जाती थी बल्कि कसम अल्लाह की खाने खाई जाती थी रसूल का हुक्म भी था कि मैं काना हालिफन फ़न फनमान काना हालिफनफली जिस किसी को कसम खानी हो अल्लाह के नाम की कसम खाए तो ये सूरत हाल थी लेकिन कसम होती है चाहे अल्लाह के किसी नाम से अल्लाह के रहमान के नाम से अल्लाह के नाम में सेलूम उस नाम से और भी नाम आसमाय हुसन है उनमें से किसी भी नाम से जबकि अल्लाह के नाम या असमायसन ही हैं तो उस पर कसम होती है या अल्लाह की सिफत से भी कसम हो सकती है जैसे अल्लाह ताला ने का कलाम है अल्लाह ने कलाम किया और ये कलाम अल्लाह की सिफत है जो कुरान मजीद की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है तो अल्लाह की सिफत के साथ कसम खाई जा सकती है एक वसफ़े की अल्लाह ताली मतकलम है और ये कलाम उसका मौजूद है लेकिन अगर ये मुराद लिया है कि हम इस, इस किताब पर जो दफ्ती दफ्ती की शक्ल में है और वक़ की शक्ल में है उस पर रख के कसम खाते हैं तो उसका कोई ख़ास अहमियत नहीं होती है और ना ही ये हकीकी तौर पर कसम की सिफत मानी जाती है अगर कहा है कि हम मुसाफ़ की कसम खा कर कहते हैं इस किताब की कसम खा कर कहते हैं तो हकीकता अगर किताब से मुराद अल्लाह का कलाम है तब तो, तो कसम दुरुस्त है और अगर नहीं मुराद है तो फिर कसम नहीं सही होती है बल्कि इसके बरखिलाफ़ अगर इसका इरादा उस कसम खाने में यह है कि हम अल्लाह के कलाम की अल्लाह के बात की अल्लाह के फरमान की जो इसमें मौजूद है उस पर कसम नहीं खाते बल्कि इस दफ्ती और कागज़ पर खाते हैं तो ये शिरक के दर्जे में आ सकता है इसलिए कि हदीस में मनहरफ ब़ैर फ़कत कफ़रा और शरक जो अल्लाह अल्ला, अल्ला, के अलावा अल्लाह 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 के अलावा अल्लाह के ज़िभात के अलावा किसी और नाशा हसनों के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाएगा तो वो हो गोया कि उसने शिर किया है कुफ्र कर दिया तो उससे बचना चाहिए था लिहाजा अच्छा ये कि इंसान कुरान मजीद की कसम उस पर रखे उस पर हाथ रख कर के या कुरान मजीद की खास तौर से कसम दिला करके अल्लाह के कलाम की कसम खाता हूँ नहीं कराना चाहिए और इसलिए कि अगर मुराद अल्लाह के कलाम तब तो ठीक है और अगर अल्लाह के कलाम के अलावा कुछ और मुराद रहता है रोशनाई से पेपर से दफ्ती से ये सब मुराद उसकी है जो किताब की शक्ल में इस किताब ऐसे ही मुराद लेता है तब तो वो कसम भी दुरुस्त नहीं होती है और ऐसी सूरत में इंसान को कसम लाने यानी कुरान मजीद पर कसम दिलाना कुछ ज़्यादा मुनासिब हाल नहीं चले कि रसूल अल्लाह के ज़माने में हजरत वक्र के ज़माने में जब तक कुरान मरतब नहीं था उस तरह से जैसे दफ्तर में इकट्ठा किया हुआ हो बांध के दोनों तरफ से तो ऐसा नहीं था उस पर कसम भी नहीं खाते थे बल्कि हजरत बकर के ज़माने में भी हजरत उस्मान के ज़माने में भी ऐसा नहीं था कि कुरान मजीद पर हाथ रख कर, कर कसम खाई जाए कसम तो अल्लाह के नाम की होती और कहीं भी आदमी ले तो उससे कसम उसकी पूरी पूरी यानी कसम हो जाती है और ये कसम जो इस तरह से खिलाई जाती है इसलिए होता है ताकि आदमी अपनी कसम में झूठा ना रहे डरे अल्लाह तबारक व तारा के कलाम से अल्लाह तरह के से अगर उस पर डर हाथ रख के खाता है ताकि कसम खाने वाला घबराए थोड़ा सा लिहाजा उस तरह से ये मकसद है तब तो कसम उस पर दिलाई जा सकती है लेकिन फिर भी एहतियात का तकादा है कि ऐसा ना किया जाए लेकिन अगर कहीं ज़रूरत इसकी है तो ऐसा किया जा सकता है जैसे कि लोग कसम खाते हैं वहाँ है कि खाने काबा के पास ले जाकर कसम खिलाते हैं या मिंबर पे बैठा कर कसम खिलाते हैं किस मिंबर पे बैठ के कसम खाओ तो ये सब चीज़ें जो हैं कसम नहीं कसम के साथ उसको और मौक् और अहम बनाने के लिए हैं तो अगर मौक् और अहम बनाने के लिए कराया जाता है तब तो ये बात दुरुस्त कसम तो सही ही खानी चाहिए गलत नहीं खानी चाहिए कसम लेकिन अगर वो कसम खाने वाले की मुराद कुरान मजीद पे हाथ रखे ये मुराद है कि मैं इस किताब की यानी जो दफ्तरी और कागज़ की शक्ल में है वो है तब तो, तो वो कसम भी ग़लत अंदाज़ की है लेकिन अगर ये है कि अल्लाह के कलाम की कसम खाता हूँ जो किताबुल्लाह में है उन पर तो ये अल्लाह का कलाम इस पर कसम खाया जा सकता है इस नाम से भी आइए इसी का दूसरा मसला था कि इससे जो पैदा होता है वो ये है कि क्या झूठी कसम खानी चाहिए इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो कसम खाई थी वो झूठी कसम थी तो झूठी कसम खाना ये तो बजाते खुद शरा गलत इससे बचना चाहिए इसलिए कि कसम तो खाई जाती है अल्लाह के नाम की और अल्लाह के नाम से कसम खाने में आदमी झूठा भी रहे तो ये तो बहुत बड़ी गलती है या ऐसी गलती है जिसको जहन्नम में पहुंचा सकती है अल्लाह के नाम का के साथ मजाक हो सकता है और अल्लाह ने कहा भी है कि अपनी कसमों में अल्लाह को अपना ज़रिया नहीं बनाओ यानी कसम खा करके गलत चीज़ पर कसम खा करके अल्लाह का नाम लेकर कसम खाते और वह कसम सही तुम्हारी झूठी होती है तो गोया कि तुमने अल्लाह के नाम का वास्ता बीच में दे करके अल्लाह के नाम के साथ मजाक सक किया है ये गलत बात है लिहाजा झूठी कसम तो अवल खाना नहीं चाहिए बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ा गुनाह है इसीलिए हदीस में आया हुआ कि अलियमी ग़मोस जो है ये भी कबायर में से है ऐसी कसम जो आदमी को डुबा दे गुनाहों में डुबा दे या अकेले जहन्नम में डुबा दे तो ऐसी कसम खाना ही नहीं चाहिए इसलिए कि इंसान जब झूठी कसम खाता है तो बड़े गुनाहों में से एक बड़े गुनाह का इरतक करता है झूठी कसम खाना झूठी गवाही देना ये सब बड़े बड़े गुनाहों में से कबा गुनाहों में से कहता है कब गुनाह कबीरा है तो उससे बचना चाहिए अब वो बात यहाँ रह गई कि आदमी अगर ऐसी कसम खा लेता है और वो जानता नहीं था कि हमें ऐसी कसम खास खिलाई जा रही है हम तो खाएँ कि ना खाएँ जिसे लोगों को कहा जाए कि भाई इस पे कसम खाओ इस तरह के अल्फाज के साथ कसम खाओ और उसे पता ना हो या कि एक, एक और जैसे इन्होंने लिखा कि मैं समझदार नहीं था हालाँकि पंद्रह साल की उम्र में तो आदमी समझदार हो जाता बारिक हो जाता है यह कि इंसान जब बालिग हो जाए उसके बाद उस पर शर्य अहकाम लागू हो जाते हैं और उसे कहना है कि हमें पता नहीं था ये गलती भी को पता होना चाहिए जब उसे नमाज़ पढ़ना चाहिए उसे रोज़ा रखना चाहिए उसके ज़क़ात वाजिब होती है उसके ऊपर शरीयत के और अहकाम वाजिब हो जाते हैं और इसी तरह से उस पर शरीय अहकाम के अलावा जो चीज़ें हदें होती हैं वो हदें लग जाती हैं गलतियों पर जो सज़ा मिलती है तो ये सारी चीज़ों के साथ ये गलती भी है इस पर भी सज़ा होती है लिहाजा आदमी का बालग हो जाने के बाद गलत कसम का कसम खाना या कि जान बूझ करके गलत कसम खाना का कसम खाना ये गलती है इंसान को इससे बचना चाहिए यहाँ एक बात हो सकती है कि आदमी जाहिर हो जानते ही रहो कि कसम खाई गए थे ऐसे कुछ लोग हो सकते है। हैं इनको ये पता नहीं कि हाँ कसम कैसे खाना चाहिए किस तरह खाना चाहिए तो यहाँ एक बात हो सकती है इसलिए बहुत से बहुत से लोग मुताफ़िर रहते हैं कि कसम कैसे खानी चाहिए तो वो कहते हैं कि हाँ हम अपने बेटे की कसम खा रहे हैं या अपने माँ की कसम खा रहे हैं माँ की कसम है बेटे की कसम है या कि किसी और ए, उससे बढ़ कर के किसी वली नबी पीर फ़ीर और कोई भी चीज़ उसके अंदर ताज़ी वाली होती है उसका नाम लेकर कसम खाते हैं ये सब कसमें तो अव्ला सरे से सब बातिल हैं ये गलत हैं ये गुनाह हैं इससे कसम नहीं बनती है इसलिए कि अगर ऐसा करता है अल्लाह के नाम को और अल्लाह के आसमाय हुसन को छोड़कर कसम खाता है कोई तो वो बजादे ख़ुद कुफर में या शिरक में चला जाता जा सकता है बस, लेकिन अगर वो नहीं जानता था और ऐसा कर गया तो वहाँ पर ये गुंजाइश है कि हाँ उससे गलती हुई उसको तोबा करना चाहिए तोबा करना चाहिए और तौबा करने के साथ साथ ये होना चाहिए कि अच्छे नए नए काम और ज़्यादा करना चाहिए उस पर कोई कफारे का जगह जो पूछा है कोई कफ़ारा नहीं है कि यहाँ कसम ग़लत हो जाए तो उस पर ये नहीं जानता था कसम खा तो उस पर कितना कफारा देगा ऐसा कोई कफ़ारा मरतब नहीं है और अगर कसम ऐसी चीज़ पर खाया जो जानता सिरे से कि वो गुनाह है वो गलत है तो तो वो गुनाह है ही है कसम ऐसी चीज़ पर खाता है जिस पर ए, उसको पता नहीं था और वहाँ वो कर गया तो अगर हो चुका है तो उसको तोबा इस करना चाहिए आइंदा से एहतियात करना चाहिए और ए, अगर किसी चीज़ के बारे में कसम खाया उसको अंदाज़ा था कि यही सच है लेकिन बाद में नतज से पता चला कि वो सच नहीं गलत था उसके ऊपर धोखा किया गया था तो उस बेस पे उसने कसम खा लिया तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं इसलिए कि गुनाह तो उसका नहीं था उसको जैसे उस पता था और जबकि हकीकत में वो चीज़ नहीं थी तो फिर उसका गुनाह नहीं है उसको तो, तो वार अपना करना चाहिए आइए हम एक और सवाल की तरफ़ आते हैं सवाल ये है कि क्या इस्लाम कबूल करने के बाद इन नामों को बदल देना चाहिए ये सवाल अक्सर नौमुसलिमों के साथ पेश आता है कि इस्लाम कबूल कर कर लिया है तो हमारा नाम क्या होगा अगर वो बेहतरी के लिए अपना नाम कुछ भी इस्लामी रखना चाहता है तो उसमें कुछ हरज नहीं है कोई भी नाम रखे वो बेहतर है और अगर ऐसा नाम उसका है जो कि शरा तौर पर गलत था तो फिर उसको बदल लेना चाहिए जैसे किसी का नाम ऐसा हो जो किसी गैर इस्लामी नाम के साथ जिसकी इबादत जाती ये की जाती है उसका जुड़ा हुआ हो जैसे कोई मसीह रख ले हाँ बंदे मसीह रख ले मसीह से मुराद यानी ईसा आलम मुराद हो और इसी तरह से जैसे जाहिलियत के ज़माने में अब्दुल्लात रखते थे अब्दुल अब्दुलजा रखते थे अजा और ये लात ये दोनों मक्का में दो बुत थे इनके नाम पे मक्का वाले अपना नाम रखते थे अब्दुल अब्दुलज़ा है कोई अब्दुल्लात है मनाथ है तो ये मनात तो लात ये सब उनके होबल है कोई इनके नाम से रख ले या कोई भी किसी भी देवी देवता के नाम से रख ले कि उसका ये बंदा है उसका पुजारी है जैसे कोई कहे उसका पुजारी हूँ इसका पुजारी हूँ और ऐसे बहुत से नाम बहुत से गैर इस्लामी महब मजाहिब के अंदर पाए जाते हैं धर्मों में जो अपने जिनको मानते हैं उसके नाम से रखते हैं कि हम उनके पुजारी हैं उनके ग़ुलाम हैं उनके बंदे हैं तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो इनको बदल देना ज़रूरी है लेकिन अगर ऐसा नहीं है बल्कि वो नाम अपने माने के अतबार से सही है उससे कोई शिरको कुफर का लफ्ज़ नहीं निकलता है और ना ही उससे ये पता चलता है कि हाँ ये फ़लाँ का पुजारी और फ़लह का बंदा है तो फिर ऐसे नामों के बाकी रह जाने में कुछ हरज नहीं है यानी कुछ हर्ज नहीं रख सकता है। बदल ले तो बदल ले तो अच्छा है ताकि नाम भी उसका जैसे इस्लाम कबूल किया इस्लामी नाम भी हो जाए उसका लेकिन अगर उस नाम के अंदर उससे कुछ पता नहीं चलता है। किसी धर्म किसी मज़हब की तरफ यह नस्पत करके रखता है और अब भी इस्लाम कबूल किया तब भी वो नाम रखता है तो फिर इसमें परेशानी है अब अगर ऐसा नाम है जैसे जॉर्ज है बुल पुल बुल्स है या एक ही नाम रख जैसे तयब है ताहिर है कोई भी एक नाम रख लीजिए या सच्चा है शाद है अमीन है या और भी कोई नाम जैसे गैर अरबी नाम हो उनमें से कोई नाम है तो कुछ हरज नहीं है और जैसे रखते लोग मिलन नाम रखते हैं मोती नाम रखते हैं सूरज रखते हैं सितारा रखते हैं ये सब नाम इसके अंदर कोई बात नहीं है लिहाज़ा ऐसे नाम जिससे किसी की इबादत का पता चलता हो और वो गैर इस्लामी हो तो उसको बदल लेना चाहिए और अगर वो इस्लामी नाम है तो अपनी जगह पर बाकी रखना चाहिए और इसी जवाब के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि इन शाला आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी और आपके सवालों के जवाब हम किताब सन्नत की रोशनी में पेश करेंगे और उन तरह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खैर से रखे और हमारे जो भाई बहन इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं या किसी का किसी तरह ताउन अल्लाह ताला उन सबको ज़्यादा ख़ैर अदा फ़रमाए रहमतुल्लाहि व बरकातहू